प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। सत सही बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरह सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई ही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुगावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृद्ध जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश।
गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहां जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखू रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो, कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं, गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार, अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार, बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का भाई मैं लेन बारंबार, मानुष जन्म पाए करे नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मैं बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर, साथी हमारे चले गए साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही तात लगी है वार, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन मही, वो ऊंची टेनी पात थे अब पीले हो जाही, पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरांगे जाए, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात, कबीर झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल च बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल,
लाख गरा सैनत उठ दूती, माया आद तकत की कूती, सवा लाख घड़िए नत बांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंदे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है और जो हम सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक हैं, पिता हैं। ये वही परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर काशी शहर के लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। ये परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्ण मासी को अपने निज धाम सतलोक रित धाम वहाँ से चलकर आए और बनारस में काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, अपने उस सूक्ष्म वेद में हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम गलत स्थान पर आकर के फंस बैठे हो। और काल भगवान ने, इस ब्रह्म भगवान ने आपको यथार्थ ज्ञान से वंचित रखा हुआ है। ना किसी विद्वान को पता, ना मैं ऋषि को ज्ञान कि ये अभी तक ये आत्म ज्ञान से भी क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, आत्म ज्ञान के ऊपर ही उलझे हुए हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान है अपने विषय में जानकारी, भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ मेरा क्या उद्देश्य है। इस गहराई तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे अब आप मनुष्य शरीर में जन्मे हो, इसमें कितनी आपदाओं को आप झेलते हुए अपने जीवन रूपी सफर में यात्रा कर रहे हो। जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं, प्रारब्ध में जो लिखे हुए पुण्य चलते हैं, तब तक तो ये प्राणी बहुत सुखी नजर आता है। किसी के पास उच्च पोस्ट होती है क्योंकि वो पिछला पुण्य कर्मी प्राणी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके, वो पिछले जन्मों में की हुई बैटरी चार्ज आज बगैर चार्जर के भी वो काम कर रही है, क्योंकि वो पहले संग्रह कर चुकी है एनर्जी। उसके आधार से वो प्राणी वो बहुत सुखी भी है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, बच्चे भी नेक हैं, अच्छे एजुकेटेड हो गए, बढ़िया पोस्ट प्राप्त होगी, उनकी शादी भी, जैसे हम जिनको ऊंच घर मानते हैं माया के धनवंतों को, उनमें अच्छे घरों में उनकी शादी भी होगी, ब्याह हो गया। ये उन सभी बच्चों के पूर्व जन्म के पुण्य हैं और उस प्राणी के जिसके वो बच्चे हैं। तो उसमें वो प्राणी जो सुख महसूस करता, इस झूठे सुख को ही सुख मान रहा है, वो सोचता है कि जो पूजाएं मैं करता हूं, तब तक वो ये सोचता रहता है कि जो साधनाएं हम परंपरागत करते हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था,
बाबा श्याम जी का पुजारी था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी और बाकी दुर्गा माता, दोनों सभी देवता सुप्रसिद्ध सा नजर आवा था, उसी के हम पुजारी थे। और कोई भी घर में सुख होता था, संतान उत्पत्ति है, फिर नौकरी प्राप्ति, दो पैसे, कोई मकान प्लाट बनाना, तो ये सब सुविधाएं हमें मिली, तो ये सोचा करते कि हमारे जो ये भगवान हैं, हम इनकी जो पूजा करते हैं, इससे हमें ये लाभ दे रहे हैं। तो ये हमारी भूल थी, तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचार रखते थे। और फिर साथ में ये भी कहते थे, कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता था, आम व्यक्ति कहता था भाई तेरे कोई पिछले जन्म में तने पाप कर रखे, और कोई सुखी नजर आता था तो उसको अन्य व्यक्ति कहते थे भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है यो, इसको इसके ठाठ हो गए। यानी वो पिछले जन्म पुण्य के पुण्य और पाप आज वो अपना रंग दिखा रहे हैं। तो जब तक ये प्राणी सुखी है, इस संसारिक सुखों को सुख मानते हैं, कैसे अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए, दो रोटी का साधन हो जावे, नौकरी मिल जावे या कोई और धंधा बढ़िया हो जावे, फिर संतान यानी सबसे पहले पुत्र हो जावे, फिर पुत्री हो जावे, और एक कार या कोठी हो जावे, इस झूठे सुख को ये सुख मानता है। तो ये सुख, और दूसरा इस महादुखी है, अब दूसरे के पास ये सुविधा नहीं है, कोई बेचारे का हाथ कटा है, किसी की आंख नहीं है, किसी की दोनों टांग नहीं है, कोई किसी की दोनों आंखें नहीं है, और किसी के पास हैंड टू माउथ है, यानी गुजारा भी ना चलता, कोई कागज चुप के अपना गुजारा कर रहा है, तो ये पिछले जन्म का उसके पास कोई पुण्य है ही नहीं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, आज आपको वही डिटेल बताएंगे। तो एक तो ऐसे जो प्राणी अब नजर आता है कि बहुत सुखी है, और वो फिर क्योंकि सुख जितना भी उसको उसके भाग्य में प्रभु ने लिखा है, वो सुख उसको पूरा देता है काल भगवान। कई अच्छे अधिकारी, कई बड़े सेठ देखे हैं कि उनके सारे जीवन में कोई विशेष आपदाएं नहीं आई, और लास्ट में कति अंत में उनकी वो दुर्गति देखी है कि उसको देख कर कलेजा मुंह को आवे। और कुछ ऐसे भी पुनकर्मी प्राणी थे कि वो पहले सारे जीवन में भी स्वस्थ भी रहे और उनके संतान भी अच्छी रही, ठीक रही, और मृत्यु अंतिम श्वास भी अचानक हार्ट अटैक से वो चले गए, यानी बुढ़ापे के कोल्हू में नहीं पिड़े। तो यहाँ जो तत्वज्ञानहीन प्राणी जो भक्ति से दूर हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई वो भक्ति करता था, वो तो भुगत कमरिया, और देख युक्ति भक्ति नहीं करता था, और अचानक किसी सुथरी मौत आई, बहुत बढ़िया मृत्यु आई इसकी। तो पुण्यात्माओं, ये दंत कथा है, लोक वेद है, किंवदंतियां हैं ये सारी। जिस व्यक्ति ने कभी साधना कैसी ही नहीं की, और ठीक है बुरे काम भी नहीं करे, वो पिछले जन्म का अच्छा संस्कारी प्राणी था, और पिछले पुण्य कर्मों के से उसका स्वभाव भी अच्छा था, इस जन्म में भक्ति नहीं की लेकिन पाप भी विशेष नहीं किए, तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले, ये जीवन बिल्कुल पूरा का पूरा जीवन भी हमें ऐसा लगा जैसे वो सुखी ही रहा। अब वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज होगी, अगले जन्म में हो सकता है कोई जन्म मनुष्य का उसका शेष रह रहा हो, वो भी मिल सकता है ऐसे प्राणी को, और फिर अगले जीवन में, क्योंकि ये तो रेट का कुआ है, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, ये कौन अंत थोड़ा ही है इसका, तो फिर उसके ऊपर ना जाने कितना दुख आवेगा। तो ऐसे ही जो प्राणी हमें सुखी नजर आवा था और भक्ति भी करता था,
जैसी भी परंपरागत साधनाएं, जैसे साल भर में एक दो बार तो कहीं इष्ट धाम पर जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, सारे बच्चों के तलक तलक लगा देते हैं, सबकी धोक वहाँ लगवा लेते हैं। तो इसी ऐसी साधनाओं को हम फाइनल मान चुके थे या बहुत है, या कोई और अच्छी आत्मा थी वो अपना को हनुमान चालीसा कर लेता था, हमारे जैसा कोई गीता जी का पाठ कर लेता था, शिव पुराण विष्णु पुराण आदि इन ग्रंथों को पढ़ लेते थे। तो ऐसे हम अपनी एक जीवन शैली को निभा रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम कुछ तो कर ही रहे हैं। पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति जो तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं वो तो समझ चुके हैं ये दास क्या बताना चाहता है, और जो नए आए हैं उनके लिए ये अध्याय आज खोला जा रहा है। अब जैसे एक बैटरी होती है, उस बैटरी के साथ एक चार्जर लगाया जाता है जो बिजली से कनेक्ट किया जाता है पावर से, और जिसके कारण वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज हो जाने के बाद चार्जर हटा दिया जाता है, उसके बाद वो बैटरी बगैर चार्जर के भी पंखे भी चलाती है, जैसे इन्वर्टर आजकल एक विशेष यंत्र बन गया है, तो वो इन्वर्टर लाइट भी चली जाती है तब इन्वर्टर का काम शुरू होता है। तो उसमें चार्जर लगा भी है चाहे नहीं लगा है, वो चार्ज नहीं हो रही है तो फिर भी वो अपना काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, कोई कूलर भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, नो प्रॉब्लम। और यदि उस बैटरी का फिर चार्जर ना लग रहा हो या पावर से जोड़ा नहीं हो उस चार्जर को, तो फिर जब तक वो बैटरी चार्ज रहेगी तब तक तो सारे काम होते नजर आएंगे। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, ना बल्ब जले, ना ट्यूब जले, ना पंखा चले, और ना ही कोई कूलर काम करे। अपुण्यात्मा इसमें बैटरी चार्ज करने में दो तरीके हैं, एक तो चार्जर लगा रखा है लेकिन वो चार्जर लगा रखा है उस पॉइंट में लाइट नहीं है, वो पॉइंट पीछे से कनेक्टेड नहीं है, और लगाने वाले ने ये सोच रखा है कि मैंने चार्जर ला रखा है या बैटरी चार्ज हो रही है। ये तो समझ लो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, अर्थात जैसी साधनाएं हम पहले करते थे, बाबा श्याम जी का माथा टेक आए, सालासर जा करके हनुमान जी के वहाँ मत्था टेक आए, हनुमान चालीसा कर लेते थे, गीता जी का पाठ कर लेते थे, ये हमारा मनमाना आचरण था, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो ये चार्जर भी लगा रहे थे पर पावरलेस पॉइंट में, हमने पावरलेस पॉइंट में चार्जर लगा रखा था, हम चार्जर लगाए हुए भी थे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं, और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं, जो झूठे लोक की जो सुविधाएं हैं भौतिक सुख, तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक न होंगे। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे मनमानी आचरण करते थे उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे, और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैल गई कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमानी पूजा करते थे उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गुटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत ले और खूब सारे ड्रामे करें और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं
वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूँ और मेरी ब्रान मैटी हो रही, और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेल, गुटी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है, तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है, और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे। परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहाँ से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति हमारे जैसे जो अक्सर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके, और जो उस समय के तात्कालीन वो नकली गुरुजी महर्षि जी मंडलेश्वर थे, वह सारे झूठे कपटी थे, वो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, वो पुराणों के ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, वो गीता जी के ज्ञान को भी समझ नहीं सके थे। परमात्मा कबीर जी वेदों और गीता जी के ज्ञान को यथार्थ रूप में अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। परमेश्वर कबीर जी इन सब सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को एज इट इज अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, संत वाणी में, अमर वाणी में बोल बोल कर बताया करते थे। लेकिन उन चतुर व्यक्तियों ने जो गुरु थे, ये नकली गुरु थे, झूठे गुरु थे, और वो संस्कृत भाषा को जानते थे, संस्कृत भाषा के जानने के कारण हम उन्हें महा महर्षि और विद्वान मानते रहे। और परमेश्वर कबीर जी के बारे में वो नालायक क्या कहा करते थे, कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, ये गलत कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके माता पिता हैं, इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वे सारे समाज को यही कहा करते थे कि विष्णु और शंकर जी यही पूजा के योग्य हैं, और श्री विष्णु जी तीनों रूप धारण करके, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करके पूरी सृष्टि को चला रहा है, ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, जुलाहा झूठ बोलता है, ये धानक झूठ बोलता है, इनकी बातें मत सुनना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का द्रोही है, तो वो झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, उनकी दाल गलगी, इस आधार से गल गई कि सभी ये कहते थे कबीर जी शिक्षित नहीं है, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा फिर भी अपने ज्ञान को प्रचार करते ही रहे, और दुखी प्राणी परमेश्वर के पास आकर सुखी भी हुए, उनके दुखों का निवारण भी हुआ, लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में आग गए यम के फंद। जब परमात्मा स्वयं आए थे उस समय यही वाणी कहा करते कि तुम गुरु को भगवान मान लो, एक सिंपल मैन मत मानो। संकेत भी कहा करते थे कि नाला को तुम्हारे कितने सुख हो रहे हैं मुझ दास से, और तुम उन जहां तुम जाते थे जिनको भगवान मानते थे, पूजाएं भी उनकी करते थे,
और फिर भी तुम्हारी दुर्गति हो रही थी, अब भी तुम नहीं समझ रहे, लेकिन अशिक्षा का कारण यही रहा। अशिक्षा के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया है नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भक्त सात जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आवेगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके, जहां हम सदा सुखी रहते। परमात्मा कबीर जी वो लीला 600 वर्ष पहले इसलिए करके गए थे कि आने वाले समय में जब ये शिक्षित कलयुग के अंदर जो शिक्षा का एक विशेष दौर चलेगा, वो बिजली पीढ़ी होगी। पुण्यात्माओं, शिक्षा का बहुत बड़ा अवगुण है। शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण है कि ये प्राणी चतुर बन गया, इतना चतुर हो गया कि इसने माया के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना इज्जत दिखती, ना बहन दिखती, ना माँ दिखती, ना भाई दिखता, ना पिता दिखता। केवल माया और भौतिक सुविधाएं, कोठी बड़ी बनाऊं, कार लंबी लूं और भाई खूब ठाट से ठाट करूं, इतना दिख है। अरे भले आदमियों, चार युग बीत गए, कितने पीछे जितने भी हमारे जो मानव हुए हैं, पूर्वज हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो काम चलाऊ अपनी शिक्षा थी उनके पास। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग बना दिया गया, भी तुम शिक्षा ग्रहण करो, सदग्रंथों को समझो और फिर हमें बता दो, हम उसी तरह साधना करते रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने ज्ञान को समझा उनको बता दिया। कितनी शांति से रहते थे, कोई किसी प्रकार की इतना जुल्म नहीं था जो आज हो रहा है। सबसे पहले निर्लज हुए, दूसरे बाद हम निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे इतिहास देख लो आप, घर घर में जा करके कैसे झगड़े होते हैं, किस प्रकार आपसी द्वेष बन गए, भाई बहन का मुकदमा चल रहा है, किसको प्रसंपत्ति पे, पिता पुत्र के झगड़े हो गए आपस में, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो गया। और जो नहीं ऐसा हो रहा है, तो वो केवल माया के पीछे ही अभी भी दौड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जब ये सरदास नौकरी करता था, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ और फिर उसने आर्किटेक्ट की दुकान खोल ली। ये माया के पुजारी, आखिरी सांस तक माया ही माया दिखे। और जबकि उस उम्र, पहले तो बचपन से मालिक बजना चाहिए था, बुराइयां तो बचता, अपना नौकरी भी करता, और फिर उसके बाद रही खी कसर, फिर वो आर्किटेक्ट में सेठ बनना चाहता था। और फिर आखे क्या आगे क्या दुरुक्ति हुई होगी, ये तो सर्वविदित है। और हमारे पूर्वज थे, झोपड़ियाँ में रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते, भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती सौ सौ शुक्र बनाया करते थे भगवान का, वर्षा ना होती थी सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे। और
परमात्मा उनके संस्कारवश वर्षा करता था। बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारे में खाद पानी पता नहीं के कीड़ंगा दवाइयाँ डाल के विष बना के विष खा रहे हैं मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। नौकरी भी कर नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है, लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटे, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पर अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए हम, भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। एक ये गुण है शिक्षा का, और कुछ भी गुण नहीं है। तो आप कितनी बात बना लो, और कंप्यूटर बना लिए, फलाने बना लिए, जहाज बना लिए, कंप्यूटर ना थे जबकि काम ना चला था, ये भी कौन सा पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलो तुम, फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर दो वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिजाइल धरे धराए रह जाएंगे। किसी हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं। अब खोलना पड़ेगा, अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक क्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पर। परमात्मा कहते थे वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हूँ। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई, प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया और पाप पर पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जबान पर कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते हैं ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि उसके ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है, पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कबीर और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता, ताकि हम बुरा काम करते समय डरें, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें, क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं, और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा में। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं, न इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं, कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गौ की नज़र में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वचल भगवंत। अब कहने का इस सारे विवरण का तात्पर्य है कि आज शिक्षा से हम परमात्मा पहचान सकेंगे, और इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं। अब शिक्षा का केला बना, जैसे डॉक्टर बन गए, अब देख रहे हो डॉक्टरों का की हाल है, भगवान हे परमात्मा कलेजा मुंह को आता है। डॉक्टरी लाइन में जो बच्चा जाता है उसके मन की छलांगें क्या होती हैं,
कि अपना या तो नौकरी लगूंगा, नौकरी लग गया तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी MBBS करके, और या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस कर लूँगा, हॉस्पिटल बना लूँगा। और उसमें क्या क्या ये करते हैं ये लोग, आप ही डॉक्टरों के पास जाकर देख लो, भगवान करे किसी का पाला ना पड़े, और दुर्भाग्यवश जाना भी पड़ जाता है तो वो क्या कर रहे हैं। हाय हाय, ये डॉक्टर यानी वैद्य का काम पहले वो पुण्यात्मा अशिक्षित एक दूसरे से वैद्यगाई सीख कर एक समय देते थे पूरे गांव को कि इस समय आ जाइयो भाई, फ्री दवाई दूंगा। जड़ी बूटी जंगल से तोड़ कर लाता था, कूट पीस कर तैयार करता था, पुड़ियाएं दवाई बनाता था, और कारगर दवाइयां होती थी, क्योंकि वो निष्कपट भाव से एक परमार्थ के तौर पर वो दवाई देता था और उसको आराम होता था। यानी बाद में उसमें भी थोड़े बहुत रोजी रोटी वाले आगे थे, लेकिन इतने कसाई नहीं थे। और अब देखते हैं डॉक्टरों का, हे भगवान, एक दिन समाचार पत्र में आ रही थी दवाई 2 रुपये की गोली और ले उसके 27 रुपये। अरे थरा गजब, ये गरीब आदमी पहले तो वैसे मर ले, बुखार बीमारी हो जाता है, रही खे ये डॉक्टर मार दें। तो इनके आगे चल के क्या बनेगी, इतिहास परमात्मा का विधान बताता है कि ऐसी जुनी को प्राप्त होंगे इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, जैसे कुत्ते बन गए, गधे बन गए, कि तो सुअर बन गए। वो आप जिनके दस्ती को ना आज यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक बिजली ना गिर ले हम डरते नहीं, और डरना तो पहले है कि वो ना गिर पावे हमारे ऊपर, उसकी कोई बचाव बने। गिरने के बाद डरना हो तो फिर स्वाभाविक है, डरो चाहे ना डरो तो काम हो ही गया जो होना था। तो सत्संग में आने से प्यारी आत्माओं आपको डर बनेगा, और जो प्राणी नाम भी ले रहा है सत्संग में नहीं आता है वो, क्योंकि कुछ दिन तो ये प्राणी जो भी नाम लेता है कंटिन्यू, साल दो साल तीन साल तो वर्ष तो बहुत श्रद्धा से आता है, और फिर क्या होता है कि भगवान उसके वर्क डन का फल देना शुरू कर देता है। पहले तो अपने कोटे से देता है, फिर उसका बोया हुआ वो बीज अपना किया कर्म प्रफुल्लित होने लग जाता है, तो फिर उसको सुख होने लग जाता है। फिर वो सत्संग पर रुचि नहीं देता इतना, वो सोचता है सत्संग तो मैंने सुन रखे हैं, गुरु जी सही बात बतावे हैं, और उनने जो बताया हम सुन लिया, सारे ज्ञान हमें हो गया और हम भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, यह भी उसकी महाभूल है। जब तक आप यहाँ आकर सत्संग नहीं सुनोगे, आप 2-4-10 दिन या महीने 2 महीने 6 महीने साल में आप बहुत कोसों दूर हो जाओगे भगवान से। यहाँ नहीं आओगे तो भी सुख होगा, क्योंकि आपने कुछ कमाई ऐसी कर ली, हो सकता है इस जीवन में भी आपको 2-3 साल किया हुआ ये पुण्य आपको पूरा जीवन सुख दे दे, लेकिन आप परमात्मा से दूर होगे। वो चार्जर कट गया आपका, चार्जर नहीं रहा, कनेक्शन कट गया, और आप समझ रहे हो मैंने चार्जर लगा ही रखा है, लेकिन पीछे से आपकी करतूतों से कनेक्शन कट गया, पावर कोनी उस पावर प्लग में जिसमें आप चार्जर लगाए बैठे हो, अर्थात आप समझते हो कि हमने नाम ले ही रखा है, हमें सुख भी हो रहे हैं, भगवान पूरा सहारा दे रहा है, और पहले हम दुखी थे। तो इसलिए सत्संग में आने से आपको लाभ मिलेगा। ये मन बहुत बदमाश है, ये दुबक जाता है कुछ दिन, ये चुप चुप बैठ जाता है, और जब आता है समय उसी समय इसको फिर परेशान कर जाता। आज का जो प्रसंग है हम ये बताना चाहते थे आपको, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मलैन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। इन बातों को बहुत गहराई से सोचा करो, ये बातें कैन सुन की नहीं है भाई, कर पाड़न की है। परमात्मा स्वयं आए, उनका क्या उद्देश्य था इस गंदे लोक माने का, कबीर जी का, और परमेश्वर ने यही कड़वी दवाई यानी ये मेडिसिन तत्व ज्ञान वाली परमात्मा ने उस समय समाज को देना चाहा था, लेकिन इन नकली संतों ने समाज के अंदर ये ज्ञान, ये कड़वी दवाई यानी
रोगनाशक औषधि प्रवेश नहीं होने दी और उस परमेश्वर ने इसीलिए इस समय को चुना और उसी परमेश्वर ने मानव को बुद्धि दी है कि ये कंप्यूटर बना ले, टेलीविजन बना ले, सैटेलाइट बना ले, जहाज में सैर सपट्टे कर ले। ना वो ये मनुष्य थे पहले वाले के, मनुष्य का आँख ना थी, का हाथ नहीं थे, या कोई उनका कोई अंग कम था जो आप व्रत कलयुग वालों का ज़्यादा लगा है। नहीं, ये कलयुग पहले निर्धारित था और ऋषियों ने बता रखा था कि इसमें मशीनरी युग होगा। तो जैसा भी समय आता है, परमात्मा ही मानव को बुद्धि दे करके वो विकसित करता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट वही बनवाता है, या भूल है प्राणी की कि वो कुछ बना ले। और ये समय था, बनाना ही था। तो इस टेलीविज़न का और इस कंप्यूटर का और इस शिक्षा का अब बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अब ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उसका माध्यम ये टेलीविज़न ही होगा। इसलिए परमात्मा ने ये टेक्निक इस मानव को दी थी। अब परमेश्वर ने अपना जो वास्तविक ज्ञान था वो 600 वर्ष पहले दे दिया। जब परमेश्वर यहाँ आए थे 600 वर्ष पहले, तो एक दिन में वो हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और वहाँ जा जा के अपना ज्ञान प्रचार करते थे। वो ईश्वरीय शक्ति थी। अब परमात्मा ने ये विज्ञान दे दी, उसी का अंश है प्रभु का ये विज्ञान भी। इस वैज्ञानिकों को ये विज्ञान दे दी कि ये टेलीविज़न बना लिया, सैटेलाइट बना दी और घर घर में टेलीविज़न रखवा दिए। और एक वक्ता एक किसी चैनल पर बोलता है, वो करोड़ों अरबों के पास, करोड़ों की संख्या में टेलीविज़नों में वो पहुंच जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए देनी आवश्यक समझी और ये विज्ञान भी इसलिए विकसित करना आवश्यक था कि मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकूं, अन्यथा इस शिक्षा का दोष ही दोष है, लाभ कति नहीं। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाएं, घर के भी समाप्त, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी, कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है और साथ में इन्हों ची ची भागे जा रहे हैं, इन्हों देख ले एक्सीडेंट हो गया, चल 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 जल्दी करवा पहुँचना। और पहले टूट कर पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मत भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट नहीं आया। सूर्य उदय हुआ, जब घर वालों को पता चला भी नहीं आया, ढूंढते ढांढते ऐसे वहाँ पहुँचे, जब मुझे उठा के लाए, बस एक आध सांस ही रह रहा था मेडिकल तक पहुँचा इतने। तो पुण्यात्माओं, हम निर्दयी हो गए, डर रहा नहीं भगवान का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लग घट में प्राण। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारम्बार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो बाहर नहीं लगता डार। आप अपने परिवार में रह रहे हो, बेटा बेटी, कार कोठी, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदारी, कोई मित्र दोस्त सहेली, आपका कितना अच्छा दिल लग रहा है, आप बहुत अपने आप को आनंदित मान रहे हो, और अचानक कोई रोग हो जाता है जानलेवा, कैंसर। और कैंसर होगी, 1-2-4 हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट हो चुका, कोई राहत नहीं, तो फिर क्या सोचता है कि मेरा ही समय निकट आ गया। और घर वालों को पता है कि कुछ दिन का मेहमान है, उस अतिथि में सोचे अपने आप को, आपको उस अतिथि में ले जाकर सोचो कि ये सती थी किसी के साथ भी हो सकती है। अपने परमात्मा में रुचि बनाने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा।
वैसे नहीं बात बनाया करती, ये ज्ञान वैसे नहीं दिया जा रहा। प्रभु का यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं ज्ञान प्रचार करूँ। ना उनको क्या आवश्यकता थी आने की, एक खड्डी में बैठ कर कपड़ा बुनने की, एक झोपड़ी में निवास करने की, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसका उद्देश्य था कि मेरे बच्चे यहाँ महादुखी हैं, ये झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं, ये नकली सुख है, कल को मृत्यु हो जाएगी, इनको मूर्ख बना रखा है इस काल ने, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु हो जाती है, उसका क्या है, नालायक का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस बोली आत्मा का परमात्मा हमें यही याद दिलाने आते हैं कि तुम धोखे में डाल कर यहाँ रखे हुए, तुम्हें मूर्ख बना रखा है, और तुम्हारी बुद्धि इससे आगे सरकती नहीं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जगत उगता ढेल रे। परमात्मा कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगा लगा कर समझाया, परंतु इनके एक नहीं समझ में आती, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर डाल रखा आपके ऊपर, आपके बस की बात नहीं। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान और ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक वस्तु औषधि आप कानों के माध्यम से अंदर जाने दोगे तो एक दिन इसका समाधान हो जाएगा और आपको सच्चाई महसूस होगी कि सचमुच हम गलत फंस गए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है कि अब मैं कुछ ही अक्षणों का, कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तब वो सोचता है, वो क्या बोलता है, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी। वो क्या बोलता है, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां पड़ेंगे जाए। अब जैसे एक बड़े पूरे परिवार को त्याग कर एक प्राणी जाने लग रहा है, उसको पता है कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, अब वो अंदर से सोचता है कि ये भगवान ईब के बनेगी मेरे साथ, कहाँ जाऊँगा, ना जाने कहाँ पटकेगा ये, कहाँ जन्म होगा, किस योनि में जाऊँगा। तो आसपास बैठे हुए बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं कि भाई ये तो मरने वाला है, चलो हमदर्दी व्यक्त करावा पहले ही, बैठ जाते हैं आकर, वो कहते हैं भाई, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई एक दिन सबने मरना है, यहाँ तक कोई नहीं रहा, भाई जिसका समय पूरा हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह उसको सांत्वना देकर मरण जोगा ब्योत करते हैं कि तू मर, इतने थोड़ा सा दिल डट जाए, इतना अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सची थी, समझाना चाहते हैं कि आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा, जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे भाई बहन बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा, ये तेरा प्रथम कर्तव्य है। जैसा हम बच्चों को पालना प्रथम कर्तव्य समझते थे, उससे भी प्रथम कर्तव्य हमारा, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, पिता को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को समझावे, यदि पुत्र को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को, माता और पिता से भी रह रहकर जिक्र करे मालिक का, समझाओ उनको, पता चला ज्ञान दे के कल को बहुत दुरुक्ति होगी आपकी, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और सेकंड कर्तव्य तो है ये, तो अपने बच्चों की परवरिश करना, इसमें तो दो राय है नहीं, नहीं करेंगे फिर हम पेट कैसे भरेगा, तो हमारा एक वो है परमात्मा का दिया हुआ एक व्यवस्था है, इसमें तो हम करेंगे करेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माता पिता बचपन से ही मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, वो बालक भी अपने संस्कारवश बड़े भी होते हैं और वो अपना पूरा उनसे भी अच्छी तरह सेट होते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। इस दास के साथ खूब बीती ऐसी बातें, एक रिश्तेदार हमारा निकट का, और वो छोटे छोटे बालक, उसकी मृत्यु होगी और वो आखिरी सांस यही कह रहा था, मेरे बालका का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज वो बालक जो दूसरे भाई जीवित हैं उनसे ज़्यादा सुखी हैं वो, उनके बच्चे, उसे अच्छा व्यवसाय है।
तो ये जो हम अपना प्रथम कर्तव्य मान रहे थे ये भी गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, पूर्व संस्कार में निर्धारित है, ये तो परमात्मा ने करना ही करना है, आपसे करवाना है या किससे करवाना है, उसने ये संसार चलाना ही चलाना है। रही बात मनुष्य ये आत्म कल्याण की, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसको हम, इसको तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट मान रहे थे, जैसे बालक पढ़ते हैं ना, लेवत ले लेना तो ना ले सब्जेक्ट ने, हम ऐसा मान रहे, जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, हम छोड़ चुके थे। तो ये ज्ञान बताया जाता है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि साथी हमारे चले गए रंबी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ता तलागरी बार, पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। अब बसंत ऋतु के अंदर सभी जैसे पीपल के पत्ते आपने देखे हो पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, सतूत के पत्ते हैं जैसे वृक्षों के पत्ते हैं, और तुरंत ही नई कोपल फूट जाती है और 15-20 दिन में वो पूरे पत्ते बनकर और हवा में ऐसे लहला रहे होते हैं। एक वर्ष वो नए पत्ते फटफड़ फटफड़ करके बस्ती मार लेंगे और जब आवेगी फिर बसंत ऋतु, वह सारे टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे और उनका विनाश होगा।